दोस्तों सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट HP चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि। मैं आपको एक छोटी सी प्रेरक कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगी। इन छोटी छोटी कहानियों का हमारे जीवन में गहरा असर पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें या जो तरीके हमें नहीं सिखा पाती हैं, वो ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी आसानी से समझा देती हैं। हमें अपना व्यक्तित्व परिवर्तन और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। आइए सुनते हैं ऐसी एक प्रेरक कहानी, पुरानी पेंटिंग। बहुत समय पहले की बात है, 19वीं सदी के मशहूर पेंटर दांते ग्रेबेली रोजेटी के पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहुंचा। उसके पास कुछ स्केच और ड्राइंग्स थी जो वो रोजेटी को दिखाकर उनकी राय जानना चाहता था कि वे अच्छी हैं या कम से कम उन्हें देखकर कलाकार में कुछ टैलेंट जान पड़ता है। रोजेटी ने ध्यान से उस ड्राइंग को देखा और वो जल्दी समझ गए कि वे किसी काम की नहीं है और ना ही उसे बनाने वाले के पास आर्टिस्टिक टैलेंट है। वे उस व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहते थे, पर साथ ही वो झूठ भी नहीं बोल सकते थे। इसलिए उन्होंने बड़ी सज्जनता से उससे कह दिया कि उन ड्राइंग्स में कोई खास बात नहीं है। उनकी बात सुनकर व्यक्ति थोड़ा निराश हुआ, लेकिन शायद वो पहले से ही ऐसी उम्मीद कर रहा था। उसने रोजेटी से उनका समय लेने के लिए माफी मांगी और अनुरोध किया कि यदि संभव हो तो एक यंग आर्ट स्टूडेंट के द्वारा बनाई कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी देख लें। रोजेटी तुरंत तैयार हो गए और एक पुरानी फाइल में लगी कृतियां देखने लगे। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, वाह, ये पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी है। इस नौजवान में तो बहुत टैलेंट है, उसे हर तरह का प्रोत्साहन दीजिए। यदि वह इस काम में लगा रहता है तो जी तोड़ कर मेहनत करता है तो कोई शक नहीं कि एक दिन वो महान पेंटर बनेगा। रोजेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। कौन है यह नौजवान, रोजेटी ने पूछा। तुम्हारा बेटा? नहीं, यह मैं हूं, 30 साल पहले का मैं। काश उस समय किसी ने आपकी तरफ प्रोत्साहित किया होता तो आज मैं पछताने की जगह एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। दोस्तों, इनकरेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर का बेस्ट बाहर लेकर आती है, हमें और भी अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है। और लोग क्या करते हैं इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम ये निश्चय कर सकते हैं कि जब कभी हमें किसी को जेन्युइनली इनकरेज करने का मौका मिले तो हम उसे जरूर इनकरेज करें। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।